देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं? तो जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं? तो के डॉक्टर होते हैं, उनके हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, उसमें नर्स होती है, और अलग दूसरे भी स्टाफ के लोग होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं किसी के किसी तरह। तो जब डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट करते हैं, हमारी ट्रीटमेंट करते हैं, और सिस्टर हमको मेडिसिन्स देते हैं, तो ऐसे हमारा डॉक्टर के साथ और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है। तो उस रिलेशनशिप की वजह से हॉस्पिटल हमारा नेबरहुड हुआ। क्या हुआ? हॉस्पिटल हमारा नेबरहुड हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? तो के रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में हम क्यों जाते हैं? तो के खाना खाने जाते हैं। हमारे जैसे वहाँ कई लोग भी आए होते हैं। हमारा ज़्यादातर कम्युनिकेशन किसके साथ होता है? तो के वेटर के साथ। वेटर के साथ कैसे होता है? तो के हमको जो भी ऑर्डर करवाना करना होता है, तो वो वेटर लेके आता है। और इसी हिसाब से ज़्यादातर वेटर के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है, रिलेशन क्रिएट होता है, और इस हिसाब से वो रेस्टोरेंट हमारा नेबरहुड हुआ। ओके बच्चों, अंडरस्टूड? समझ में आया ना? अब हम पीछे देखेंगे। यहाँ पे है क्लीन नेबरहुड। अ क्लीन नेबरहुड कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो के क्लीन, क्लीन का मतलब क्या है? स्वच्छ। और कीप्स हेल्दी एंड हैप्पी। हेल्दी का मतलब क्या है? तंदुरुस्त। और हैप्पी मतलब खुश। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? ऐसे वैसे देखो, एक लड़का क्या कर रहा है? यहाँ पे बनाना का छिलका बीच रास्ते में डाल के दौड़ रहा है, रन कर रहा है, तो वो गलत बात है। और जो दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है? तो के डस्टबिन में डाल रहा है, तो वो राइट है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है, तो ये गुड हैबिट और बैड हैबिट्स में भी आता है। ये जो लड़का है वो बैड हैबिट्स है उसकी, और ये जो लड़का है उसकी गुड हैबिट्स है। तो उस हिसाब से तो ये छिलका पड़ने से कोई वो रास्ते पे चल के आता है तो वो गिर भी सकता है। और इसी वजह से यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है, अगर डस्टबिन में डालते हैं तो वो अच्छा रहता है। देखो यहाँ पे ये लड़का डस्टबिन में डाल रहा है, तो ये हो गई गुड हैबिट्स, है ना? तो ये इस हिसाब से भी वो हमारा नेबरहुड हुआ। उसके बाद क्या है? तो के यहाँ पे देखो, देखो ये सेंटेंस में लिखा है, डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। तो ये जो छिलका यहाँ पे डाला है वो नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस में वो बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। तो हमको कहाँ पे फेंकना चाहिए? तो के गार्बेज में, डस्टबिन में, है ना बच्चों? उसके बाद यहाँ पे क्या है? कीप योर नेबरहुड क्लीन। तो यहाँ हमारे आसपास की जो जगह है उसको वेरी नीट एंड क्लीन रखनी है। तो यहाँ पे देखो, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे काम वर्क कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको भी ये समझना चाहिए कि हमारे आसपास की जो जगह है वो वेरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना बच्चों? तो उस हिसाब से भी ये हमारा नेबरहुड हुआ। तो ऐसे ये क्लीन एनवायरमेंटल भी बनता है क्लीन करने से, है ना बच्चों? तो ऐसे ही ये भी हमारा नेबरहुड हुआ। ओके बच्चों, बाय।